यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो आज हम बात करेंगे फिल्मी दौर से जुड़ी हुई। जी हाँ, फिल्मों का सभी को खूब शौक होता है, खूब चाव होता है, हर कोई फिल्में देखना पसंद करता है। लेकिन आज जो चर्चाओं में फिल्म इस वक्त बनी हुई है वो है फिल्म पद्मावत। जी हाँ, पहले फिल्म का नाम पद्मावती था लेकिन अब नाम बदलकर पद्मावत कर दिया गया क्योंकि फिल्म को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएँ थी। करणी सेना को ले लीजिए, राजपूत समुदाय को ले लीजिए, कोई समुदाय नहीं चाहता था कि फिल्म रिलीज हो। संजय लीला भंसाली की जो मुश्किलें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी क्योंकि लोग लगातार सड़कों पर उतर आए थे, फिल्म का विरोध कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से ये टिप्पणी की गई और ये इस बात पर मोहर लगा दी गई कि फिल्म को रिलीज किया जाएगा। कई राज्य ऐसे थे जहां पर फिल्म को बैन कर दिया गया, राजस्थान में बैन कर दिया गया, मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया, हरियाणा में भी बैन करने की बात सामने आई। फिल्म को बैन भी कर दिया गया था लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं कि फिल्म को बैन नहीं किया जाएगा। तो ऐसा लगा कि अब शायद माहौल जो इतना गर्माया हुआ है अब ठंडा पड़ सकता है और फिल्म को लेकर जो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं अब वो कम हो पाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब ये जो आग थी मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इधर से होते हुए यूपी तक भी पहुंच चुकी है और आज नोएडा और गाजियाबाद में भी लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। ग्रेटर नोएडा के जो एक्सप्रेस वे है वहां पर जाकर लोगों ने खूब जाम लगाया, तोड़फोड़ की गई, प्रदर्शनकारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया और कह सकते हैं कि अभी भी स्थिति काबू में नहीं आई है। संजय लीला भंसाली की ओर से कितनी भी कोशिशें की जा चुकी हैं और अभी भी की जा रही हैं वो लगातार नाकाम यहां पर साबित हो रही हैं क्योंकि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं चाहे वो करणी सेना की ओर से हैं, राजपूत समुदाय की ओर से हैं, इन सबका यही कहना है कि फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जो भावनाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। जो पद्मावती रानी है उनको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में रोष था लेकिन अब पद्मावती से बदलकर फिल्म को भी पद्मावत कर दिया गया। लेकिन अभी तक माहौल जो है उसी तरीके से है, माहौल ठंडा नहीं पड़ पा रहा। लेकिन अगर बॉलीवुड के अन्य सितारों की बात की जाए तो वो बहुत खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बात पर मोहर लगा दी है कि फिल्म पर से बैन हट जाए। लेकिन आज की हम बात करेंगे क्योंकि यूपी में भी अब इसकी आग लगातार फैलती जा रही है। नोएडा की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार लोग प्रदर्शन करते नजर आए और नोएडा पर सड़कों के किनारे जो झाड़ियाँ लगी होती है झाड़ियों को उठाया गया, सड़कों पर आग लगाई गई और काफ़ी लंबा यहाँ पर जाम लगा रहा, काफ़ी परेशानी लोगों को यहाँ पर देखने को मिली और काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान भी हुए। तो अब सामने ये जो बात आ रही है कि 25 तारीख जो कि रिलीजिंग डेट है जिस दिन फिल्म रिलीज होगी, क्या लगता है कि जो रिलीज हो पाएगी ये फिल्म, क्योंकि फिल्म पद्मावत को लेकर लगातार अभी भी विरोध होता जा रहा है और विरोध आगे भी होता आएगा। तो 25 तारीख को फिल्म रिलीज हो पाएगी या नहीं ये बड़ा सवाल है। और अगर फिल्म रिलीज हो जाती है तो जो प्रशासन के सामने अब चुनौती खड़ी है क्योंकि सिनेमाघरों के बाहर भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसी बातें सिनेमाघर के जो मालिक हैं उनको कही गई है कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो तोड़फोड़ की जाएगी, प्रदर्शन किया जाएगा और हो सकता है कि सिनेमाघरों में आग भी लगा दी जाए। तो बड़ी बात है कि फिल्म रिलीज हो पाएगी या नहीं और अगर फिल्म 25 तारीख को रिलीज हो भी जाती है तो प्रशासन के आगे कितनी बड़ी ये चुनौती है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाए, क्या कुछ इंतजाम किए जाएँ क्योंकि आम पब्लिक भी फिल्म देखने के लिए जाएगी तो किस तरीके से पूरी व्यवस्था की जाए, ये एक बड़ी चुनौती उस दिन सबके सामने रहेगी।